गोविंदगढ़ तालाब के सौंदर्यीकरण एवं गोपाल बाग के जीर्णोद्वार का शीघ्र प्रारंभ होगा कार्य। कलेक्टर ने गोविंदगढ़ तालाब व गोपाल बाग का किया निरीक्षण। सुंदर जाम के क्षेत्र बढ़ाने की कार्य योजना प्रस्तुत करने कलेक्टर ने दिए निर्देश। बता दें कि रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बुधवार को गोविंदगढ़ भ्रमण के दौरान गोविंदगढ़ तालाब व गोपाल बाग का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस विशाल तालाब को पर्यटन केंद्र बनाए जाने के लिए सौंदर्यीकरण कराएं तथा साफ स्वच्छ बनाकर पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाए। कलेक्टर ने स्टीमर से तालाब का भ्रमण किया तथा गोपाल बाग पहुंचकर रेस्ट हाउस भी देखा। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को निर्देशित किया कि पुनर्घनत्वीकरण योजना से जीर्णोद्धार का कार्य किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। कलेक्टर ने नगर परिषद में तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए उपलब्ध बजट से कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने गोविंदगढ़ किले का निरीक्षण किया तथा पर्यटन विभाग की उपस्थिति अधिकारी को निर्देश दिए कि किले के सौंदर्यीकरण के लिए जिस एजेंसी को कार्य मिला है उससे संपर्क कर तत्काल कार्य आरंभ करें। उन्होंने किला पहुंच मार्ग के किनारे अतिक्रमण हटाने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी को दिए हैं। कलेक्टर ने अपने भ्रमण के दौरान उद्यान विभाग अंतर्गत संचालित गोविंदगढ़ रोपणी का भ्रमण किया तथा सुंदरजा आम के प्लाट का अवलोकन भी किया। उन्होंने रोपणी के विकास किए जाने व रीवा जिले की शान GI टैग सुंदरजा आम के और अधिक क्षेत्र में लगाए जाने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश सहायक संचालक उद्यान को दिए हैं। भ्रमण के दौरान CO जिला पंचायत डॉक्टर सौरभ सोनवड़े, अध्यक्ष नगर परिषद गोविंदगढ़ अभिषेक सिंह, HTM हुजूर अनुराग तिवारी, कार्यपालन यंत्री हाउसिंग बोर्ड अनुज प्रताप सिंह, सहायक यंत्री हिमांशु वर्मा, सहायक संचालक मत्स्य डॉक्टर अंजना सिंह, सहायक संचालक उद्यान योगेश पाठक सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल से प्राप्त जानकारी के अंश। आज की जो विजिट है वो गोविंदगढ़ के तालाब के साथ में गोविंदगढ़ किले की भी है। गोविंदगढ़ किले में चूंकि लंबे समय से रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, लेकिन अभी के तो बारिश की वजह से हो सकता है काम बंद हो, लेकिन जो किले के रेस्टोरेशन का काम चल रहा है वो तय समय सीमा में खत्म हो ताकि इस किले को पर्यटकों के लिए खोला जा सके। साथ ही गोविंदगढ़ जलाशय बहुत ही बड़ा जलाशय है यहाँ का, उसको टूरिज्म की दृष्टि से हम लोग और कैसे इसका विकास कर सकते हैं, इस के लिए विजिट की है। साथ ही यहाँ के जो सुंदरजा आम, जो गोविंदगढ़ की पहचान है, जिसको अभी GI टैग भी मिला है, इसकी नर्सरी भी हम लोगों ने देखी है। नर्सरी में कुछ छोटे में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, वो टेकअप करके नर्सरी और बेहतर कैसे हो सके इस विषय पर।